दोस्तों सिंगापुर के मरीना बे सेंस को इस दुनिया का आठवां अजूबा भी कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा। इसको बनाने में इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि बहुत सारे इम्पोसिबल स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था। इसका डिजाइन कुछ ऐसा हो गया था कि इस पर अगर थोड़ा सा वजन और होता तो ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर्स ने इसके ऊपर इतना बड़ा स्काई पार्क को आखिर बनाया कैसे? इंजीनियर्स के पास सबसे पहली चुनौती थी इस बिल्डिंग की डिजाइन, जो कि इंजीनियर्स को फिजिक्स की लॉ को तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। इस बिल्डिंग के दो पार्ट आपस में एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का खड़ा होना बहुत मुश्किल था और उसका बीच में टूटने का डर था। और अगर ऐसा हुआ तो लाखों डॉलर्स का नुकसान होना तो तय था। लेकिन तभी डिजाइन इंजीनियर्स को एक गजब का आइडिया आया। उन्होंने बिल्डिंग के साथ साथ स्टील के मोटे मोटे टावर्स को टेम्पररी सपोर्ट की तरह यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक डर था कि जब इस टावर्स को निकाला जाएगा तब कहीं ये स्ट्रक्चर मिसकैलकुलेशन की वजह से गिर ना जाए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ परमानेंट सपोर्ट को ज्वाइन करने को सोचा। सब काम ठीक तरह से टाइम टू टाइम चल ही रहा था कि तभी काम के बीच में सिंगापुर में एक भारी तूफान आया एंड उसके बाद जो हुआ उसे जानने के लिए कमेंट करें पार्ट।